अगर हुजूर से प्यार करोगे ना तो ये जितनी दौलतों की और शोहरतों की मोहब्बत दिल में आती है ये खुद ब खुद निकल जाएगी, आसानी हो जाएगी, जीना आसान हो जाएगा। आप कभी सहाबा की जिंदगियां देखे ना, हालात जिस तरह के भी थे ना, उनको जो सुकून मिलता था वो रुखे मुस्तफा से मिलता। उनकी तबीयत पूरी लग गई थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जो यादें हैं वो दिल को ताजा करती। उनका ख्याल था कि बहार अगर किसी चीज का नाम है तो वो जिक्र मुस्तफ़ा है, याद मुस्तफ़ा है और दीदार मुस्तफ़ा है। आला हजरत मुफ्ती हैं, आला हजरत मुफस्सिर कुरान है, कंजुल ईमान बजाते खुद एक तफसीर है, तर्जुमा ही तफसीरी है। आला हजरत मुहद्दिस हैं, वो जब अहादीस मुबारका का हवाला देते हैं तो यूं लगता है कि जैसे बड़ी गहरी नजर है इनकी, रावियान हदीस पर भी, उसूल पर भी, और हाफजा भी मजबूत है हिफ्ज़ हदीस के लिहाज। सारी चीजें उनके पास थी, लेकिन वो पता क्या कहते थे, कहते थे ये जो मेरा दिल चमकदार है ना, और ये जो मेरी तबीयत हल्की फुल्की है, उसकी वजह ये है कि उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए। मेरे नबी का कमाल ये है कि वो जिस राह चल दिए हैं कूचे बसात, वो जिस राह भी चल दिए हैं कूचे, हुजूर पर थोड़ा गुजर जाए तो काम हो जाता है, करार सुकून, सारे दुख मिट जाएंगे अगर दिल हुजूर से लगा लो, अगर वो मोहब्बतों का मरकज रसूल पाक को बना लोगे। आप देखें ओहद के मैदान के अंदर काफिर ने एक बड़ी अजीब साजिश की मुसलमानों को परेशान करने के, नबी पाक की जात से जब आपकी कामिल वाबस्तगी हो जाएगी ना तो हुजूर की जाते वाला का प्यार और प्यार लारों वाला नहीं होना चाहिए खाली जलसे महफल में और माए का हाथ में आया तो इश्क का दावा तगड़ा, खाली इस तरह नहीं, तन्हाई में भी तो रोए हुजूर की बारगाह में तो जहां बैठ के भी बड़े हाजरी लग जाती है। इसके लिए क्या साज समर के मजलिस ही फकत हो तो हाजरी लगती है, ये भी आला हाजरी है, पर वो तो वल्लाह वो सुन लेंगे और फरियाद को बस इतना तो हो कोई फरियाद करे तू बात तो दिल से कर। आपकी जब कामिल वाबस्तगी हुजूर से हो जाएगी ना तो ये गुर्बतों का डर, ये परेशानियां, ये आजमाइशें, एक जगह रोना नहीं रोया हजरत बिलाल ने कभी अपनी गरीबी का, एक जगह परेशान नहीं हुए कभी हजरत सलमान फारसी के मैं परदेसी हूं, एक जगह भी कभी जनाबे सुहैबी रोमी को तकलीफ नहीं हुई। क्यों भला? इसलिए कि हुजूर की मोहब्बत ऐसी दवा है जो हर बीमारी से शिफा अता कर देती। उहद के मैदान में काफिरों ने एक चाल चली थी, उनको पता था कि कौन सी बात मुसलमानों को ज्यादा परेशान कर सकती है। उन्होंने एक अफवाह फैला दी थी कि माजल्ला हुजूर को शहीद कर दिया गया, उसकी वजह से शदीद परेशान हुए सिया, और जंग के जो नतायज बरअक्स आए उसकी बड़ी वजह यह अफवाह भी बनी। अब सियाबा बड़े परेशान थे, हुजूर शहीद हो गए, कुछ लोग ना मैदान उहद से जब वापिस आ रहे थे ना जंग खत्म होने के बाद, एक खातून जा रही थी मैदान जंग की जानिब, जा रही है मैदान उहद की जानिब, वहां से सियाबा आ रहे, तो खातून पूछती है सियाबा से हुजूर का क्या हाल है, तो एक सियाबी अपने लहजे में गोया कहने लगे खबर मुश्किल है पर तुझे सुनानी भी जरूरी है, इस जंग में तेरे भाई का इंतकाल हो गया। अगले सियाबी से जाके पूछती है हुजूर का क्या हाल है और बेचैन है, दौड़ी जा रही आगे बढ़ी। एक और सियाबी मिले, उनसे पूछती है हुजूर का क्या हाल है, तो कहने लगे मेरे पास तेरे लिए एक बड़ी सख्त खबर है, तेरे शौहर का इंतकाल हो गया। और फिर पूछती है सियाबी से वालिद चले गए, भाई चले गए, शौहर चले गए, मुझे बताओ कि मेरे नबी पाक का क्या हाल है। वो सियाबी कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़ियारत करके आया हूँ, रसूल पाक बिल्कुल ठीक है।